और अभी शेर बने हुए हैं ना, सिंह बने हुए हैं, अपनी जीभ से उनको चाट रहे हैं, इतना प्रेम उमड़ रहा है। अपने बालक को अपनी गोद में देखकर, अपने भक्त को अपनी गोद में देखकर, किसी ने पूछा, प्रहलाद बड़े बड़े देवताओं को भय लग रहा है, ब्रह्मा जी को भय लग रहा है, तुमको नहीं लग रहा? तुमको क्यों नहीं लगा? तो पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, ये सब देवता तो भगवान का मुंह देख रहे थे, इसलिए इनको भय लगा। मैंने तो मुंह देखा ही नहीं, मैं तो अभी चरण ही देखता रह गया, मैं तो उनके चरणों को ही देख रहा था। तो चरणों को देखकर तो भय होता नहीं है। भगवान के चरण तो कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रों की तरह शीतल होते हैं, वहां तो कोई भय नहीं है। वो तो चरणों का नाम ही अभय चरणारविंद है, जहां पर जाने से सारे भय अपने आप नाश हो जाए, सारा भय दूर हो जाए। भगवान का तो चरण, भगवान के चरण ही ऐसे हैं। तो मैंने तो मुख अभी तक देखा ही नहीं, मैं तो चरण ही देख रहा था, इसलिए मेरे को भय लगा नहीं। समझ आई बात? इससे प्रहलाद जी क्या शिक्षा दे रहे हैं? जब भी भगवान जी का दर्शन करो, पहले चरणों को दर्शन करो। चरणों का दर्शन करने से सारा भय दूर हो जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ो, और ऊपर करते करते फिर भगवान के मुख का दर्शन प्राप्त करो। तो कहीं तो जल्दबाजी दिखाई, और कहीं प्रहलाद जी को आने पर विलंब किया, देरी की। फिर जानते हो नरसिंह भगवान ने क्या बोला? बोलते प्रहलाद, मैं जानबूझकर देरी से आया। क्यों जानबूझकर देरी से आया? इसलिए मैं तो पहले दिन ही आ जाता, जब तुम्हारे पर यातना हुई मैं तो पहले दिन ही आकर हिरण्यकश्यपु का वध कर देता, लेकिन सारा जगत तुम्हारी महिमा को कैसे जानता? समझ आ रही बात? सारा जगत कैसे जानता मेरा भक्त प्रहलाद कितना ऊंचा भक्त है? इतनी यातना होने पर भी उसने भगवान मेरी भक्ति छोड़ी नहीं। समझ रहे हो? हमको अगर आज कोई आकर बोल दे, अगर तुमने भगवान का नाम लिया तो कोड़े मारेंगे, तुमको जेल में बंद कर देंगे, हम कहेंगे छोड़ो भैया नाम वाम। अच्छा, कोई बाहर का आदमी आके कहे वो तो कहे, घर का ही व्यक्ति आके बोल देता है तू सत्संग में नहीं जाएगी, ये लोग भड़काते हैं, दिमाग खराब करते हैं, सारे कैसे होते हैं, सब चोर उचक्के हैं, ये धर्म का नाम लेकर ये लोगों को लूटते हैं, वहां नहीं जाना, ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलता है। इतना करने पर, थोड़ा सा भय दिखाने पर हम लोग नाम करना भी छोड़ते हैं, कथा करना भी छोड़ देते हैं, कथा सुनना ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही प्रहलाद जी को इतनी यातना दी गई, कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। हरिदास ठाकुर जी को कितना मारा गया, उन्होंने भगवान का नाम छोड़ा नहीं। मीरा जी को विष दिया गया, मीरा जी ने भगवान का नाम करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। पति ने आकर विष दे दिया, जहर दे दिया, और मीरा जी पी भी गई उसको। तो पीने के बाद भी क्या मीरा जी को कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। क्यों? एक बात अच्छे से मन में बसा लेना, भगवान की भक्ति में इतना बल मिल जाता है, इतनी शक्ति मिल जाती है, अगर सही सही तरीके से गुरु जी को समर्पित होकर भक्ति करे तो देवता क्या सारा विश्व भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सद्य पुनाति सद्धर्मो दे विश द्रोपी ही, श्रुति नो पठितो ध्यात आद्र तो वानुमोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो दे विश द्रोपी ही। जो भक्ति के संबंध में सुनता है, कहता है, मानता है, और अगर ये कुछ भी नहीं करता, उन लोगों को प्रणाम ही कर देता है जो ये सब करते हैं, वो तो उसी समय इतना बल मिल जाता है, इतना बल मिल जाता है कि देवता भी विरोधी हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता, और संसार भी विरोधी हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता,
इतना बल मिल जाता है, क्योंकि कहां से आता है ये बल, ये शक्ति कहां से आती? भगवान के। आप सबके घर में बच्चे हैं, बच्चा जब जितना भी डर जाए और डरकर भयभीत होकर माँ की गोद में आता है तो उसको क्या लगता है? हाँ, मैं अब सुरक्षित हूँ, होता है कि नहीं? हम लोग भी एक समय में बच्चे थे, हमको भी ऐसा होता था, जब माता पिता की गोद में बैठ जाए तो लगता है हम सुरक्षित हो गए। उसी प्रकार क्या हम मानते हैं भगवान है? कौन कौन मानता है भगवान है? तभी तो कथा सुनने आए। जो कथा जो नहीं मानता वो क्या सुनने आएगा? यदि हम मानते हैं भगवान है तो फिर पूरा मानो, आधा मत मानो। कैसे? मतलब बस यही एक समस्या है, हम मानते तो हैं भगवान है लेकिन जानते नहीं है। जब वो है तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? रक्षति ति विश्वासो, क्या विश्वास नहीं है हमको कि वो हमारी रक्षा करेगा? एक बच्चा माँ की गोद में बैठ जाए उसको शांति मिल जाती है, उसका भय चला जाता है। हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, लेकिन वो भक्ति करने का तरीका, वो उपाय पता होना चाहिए बस। अपने मन से भक्ति नहीं होती, अपने मन से तो करेंगे तो बहुत कुछ जीवन बीत जाता है, कभी कुछ हासिल होता नहीं। भक्ति अपने मन से नहीं, एक तरीके से होती है। घर में आप लोग रसोई बनाते हो, उसका भी तो एक तरीका होता है ना, है कि नहीं? छौंक लगाते हो जब, तो कढ़ाई को पहले पानी से भर देते हो, फिर तेल डाल के जीरा डालते हो, ऐसे ही होता है ना? नहीं नहीं, ऐसे ही होता है, मैं तो अपने मन से ऐसे बनाऊंगा। सारा जीवन सब्जी ना बने, पानी सारा फेंक कर, कढ़ाई को सुखा कर, फिर तेल और ये सब डालना पड़ता है कि नहीं? फिर पानी डालना पड़ता है, यही होता है ना? देखो मेरे को आता नहीं, तो एक तरीका है ना सब्जी बनाने का भी, गाड़ी चलाने का भी एक तरीका है ना, हर चीज का एक तरीका है, शरीर का भी एक तरीका है। सिर में दर्द हो रहा है, दवाई खाते हैं, मुंह में जाती है पेट में और सिर का दर्द दूर चला जाता है। क्यों भाई? सिर में दर्द है तो यहां दवाई डालो। कैसा एक भगवान ने तरीका बनाया, देखो यहां से दवाई गई, इधर गई और दर्द दूर हो गया। हर चीज का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ऐसे ही भगवान की भक्ति का भी तरीका है। इसलिए श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ में इस स्थान पर कैसे वो शुद्ध भक्ति को किया जाए उसका तरीका यहाँ पर समझाया जाता है। ये अंतर है और मंदिरों में, और ये अंतर है इस कुंज बिहारी गौड़िया मठ में। यहाँ पर भक्ति का तरीका, एक उपाय बतलाया जाता है, समझ रहे हैं? इसलिए भगवान को कभी तो जल्दबाजी मची और कभी जानबूझकर देरी से आए, प्रहलाद जी के उदाहरण में, लेकिन दोनों कार्य में क्या है? अपने भक्त की या तो रक्षा करना या फिर अपने भक्त की सारे जगत में प्रसिद्धि करना, सारे जगत में प्रसिद्धि करा देना। प्रहलाद जी की वंदना सारा संसार करता है, और अगर भगवान पहले दिन ही आ जाते तो क्या हम जान पाते प्रहलाद जी की इतनी महिमा है? कभी नहीं जान पाते, जानबूझकर देरी से आए। यही बात भगवान ने प्रहलाद को कही, प्रहलाद बेटा मैं तो पहले दिन ही आकर उसको मार देता, लेकिन सारे जगत को कैसे पता लगता तुम्हारी महिमा क्या है? तुम्हारे कारण ही मैं देरी से आया। ये सारे उदाहरणों से क्या पता लग रहा है, किस बात को लेकर मैंने ये उदाहरण दिए? ये समझाने के लिए कि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। अब इसको उदाहरण से समझाऊं, हमारी बहुत सारी माताएं बेचारी वो उदाहरणों से जल्दी समझती है ना। आप लोगों ने अकबर का नाम सुना ना, कितना बड़ा राजा था,
आगरा में रहता था, और आगरा कहाँ है, वृंदावन के पास में। एक दिन अपने मंत्री बीरबल को बोलता है, भाई ये वृंदावन पास में है, मैं भी भागवत की कथा सुनता हूँ, हाँ सुनता था, तो एक बात मेरे को समझ नहीं आई, तुम्हारे भगवान इतने बड़े भगवान बोलते हैं, जो मालिक होता है, जो क्या उसके पास कोई सिपाही नहीं है? बोलते ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोलते मैं जब कथा सुनता हूँ, देखता हूँ, जब जब कोई भक्त पर विपत्ति आती है, भगवान स्वयं ही तुम्हारे दौड़े दौड़े जाते रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी का हुआ तो स्वयं ही भागे, द्रौपदी का हुआ स्वयं भागे, गजेंद्र का हुआ स्वयं भागे। अरे आप मालिक हो, अपने आराम से बैठो, अपने मंत्रियों को भेजो, सिपाहियों को भेजो, जब किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति हमारे देश में आक्रमण कर दे तो क्या प्रधानमंत्री जाता है लड़ने बंदूक लेकर? कौन जाता है? सिपाही जाते हैं ना। लेकिन देखो, देश की बात अलग और भगवान की बात अलग। अकबर ने कहा तुम्हारे भगवान के कोई सिपाही नहीं, स्वयं दौड़े दौड़े जाते हैं रक्षा करने। हमको बात समझ नहीं आई, तुम समझा सकते हो? बीरबल ने कहा अच्छे से समझाऊं या ऐसे मुंह से समझाऊं, प्रैक्टिकल या थ्योरी? बोलते प्रैक्टिकल समझाओ अच्छे से। तो बीरबल ने कहा तो ऐसा है हुजूर, 3 दिन का समय दो, अच्छे से समझाऊंगा। बोले ठीक है। 3 दिन तक बीरबल आए नहीं, और जब आया तो बोल रहे हैं, अकबर ने बोला क्या क्या उत्तर है, कैसे समझाओगे? बोलते महल में नहीं सिखाऊंगा, चलो बाहर, वहाँ जमुना जी बहती है, जमुना जी में चलेंगे, वहाँ पर सिखाऊंगा आपको, और अपने साथ अपने बच्चे को ले लो, वो भी थोड़ा बाहर घूम लेगा नाव में। तो नाव में बैठ गए, एक नाव में अकबर, उसका बच्चा बीरबल, और बाकी अब राजा जाएगा तो सिपाही भी साथ में जाएंगे कि नहीं, उसके अंग रक्षक भी जाएंगे नहीं, गार्ड जाएंगे कि नहीं, चारों तरफ सब लोग घूम जा रहे हैं। अकबर ने कहा बीरबल बताओ तो। बोलते रुको रुको, जमुना जी के बीच में जाने दो पहले। जैसे जमुना जी के बीच में गए, अकबर के बच्चे को उठाकर जमुना जी में फेंक दिया बीरबल ने। और ये देखकर पिता जो छलांग लगाया, अपने बच्चे को उठाकर नाव में रख दिया और निकलकर जो डांट लगाई, तुमको मरना है, फांसी दे दूंगा, मेरे बच्चे को मारना चाहता है, पागल हो गया क्या? बीरबल हंस के कहने लगा नहीं नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। बोलते उत्तर दिया ऐसे? बोलते यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, इस समय आपके चारों तरफ कितने सारे सिपाही हैं, जब अपना बच्चा आपका डूबा तो आपने सिपाहियों को बोला कि जाओ बचाओ, या आप स्वयं डूबे बचाने के लिए? बोलते मैं स्वयं कूदा, क्यों, मेरा बच्चा है ना। बोलते यही बात तो मैं समझा रहा हूं, जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको अपना मानते हैं, उस समय उनको अपने सिपाहियों की और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं दौड़ते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल भगवान। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये भक्ति करने का सबसे बड़ा उपाय क्या? भगवान का नाम। नाम क्या? मेरे साथ बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण जय राधे जय माधव मदन मुरारी सब लोग जपिए हरे कृष्ण तालु के साथ श्री राधा माधव जी का स्मरण करते हुए कुंज बिहारी जी का स्मरण करते हुए उनका नाम लेंगे जय केशव कलि मनहारी जय केशव कलि मनहारी हो जय केशव वैजयंती माला
बोलिए प्रेम से बोलिए वैजयंती माला हो गले सोहे वैजयंती माला गले सोहे सभी बोलिए वैजयंती माला हाथ डाले के साथ बोले श्री राधा माधव की श्री वृंदावन बिहारी लाल की कब हो मधुबन रास रचायो बोलिए कब हो मधुबन रास रचायो नाचत विपिन बिहारी नाचत विपिन बिहारी जय जय माधव महाराज ने बताया ना अभी कि जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ नहीं उठाए थे भगवान नहीं आए दोनों हाथ उठाकर क्या बोली हे गोविंद लाख तो शरण अब तो जीवन हारी भगवान अपना खाना भी छोड़ दिया मुख में डाली देते छोड़कर चले गए कि इसलिए कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है जो पूर्ण शरणागत है मेरे लिए दोनों हाथ तालियों के साथ उठाकर भगवान के चरणों में शरणागत होकर हृदय से कीर्तन में भगवान का नाम लीजिए देखो आत्मा को कितना आनंद मिलेगा बोलिए प्रेम से द्रौपदी पुकारी
क्या किया पट में लिपट गए हे बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, हो पट में लिपट गए भक्तवत्सल है साड़ी बन गए हो ऐसे प्रेम पुजारी, ऐसे प्रेम पुजारी, जय माधव जय मनवारी, मदन मुरारी जय माधव मसूरी हो जायो केशव कली बनवारी, हो जय केशव कली बनवारी, क्या देखते हैं केवल हो तेरे मन में बसा कितना प्यार, बस प्यार देखते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हो जय माधव मदन मुरारी, हो जय हो जायो केशव कली मनहारी, जय केशव कली मनहारी, जय माधव मदन मुरारी, हे माधव मदन मुरारी।
सुनिए बड़ी ध्यान से क्या किया हो सुको सा क्या करेंगे
क्या गाएंगे? आवाज नहीं आ रही। राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाए। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही और जोर से थोड़ा सा और जोर से हरी बोल राधे राधे गाए श्याम श्याम गाए हो राधे राधे गाए श्याम श्याम गाए राधे राधे गाए श्याम श्याम गाए राधे राधे गाए श्याम श्याम गाए राधे राधे गाएंगे 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 श्याम श्याम गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाए राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाए प्रेम से मेरा हाथ पहले बता जो से नहीं बोलते वृंदावन में कैसे बोलते हैं राधे 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 अरे आवाज नहीं आ रही श्री राधे 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 जय राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा
भागवत जी के प्रथम दिवस में ही सब भक्तों में इतना उत्साह दिख रहा है, मुझे नहीं पता आगे और 5-6 दिन में क्या होने वाला है। अभी भी जगह कम पड़ने लग गई, कल से प्रार्थना है कि माताएं सब थोड़ा आगे आगे आकर बैठेंगी, ठीक है। ये तो ऐसे बोलते हैं आगे आके बैठेंगी, किसी जगह पर बोलते हैं पतले होकर बैठो थोड़ा। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही भगवान के भक्त वत्सल गुण बड़े सुंदर रूप से प्रकाशित हुए हैं, समझना। नैमिषारण्य में जहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी जी से प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर में ही संपूर्ण भागवत महापुराण सम्मिलित हुआ। अब यह भी प्रश्न किया गया कि परीक्षित जी का जीवन चरित्र श्रवण कराइए, सुखदेव गोस्वामी जी का और वेद व्यास जी का। देखो भागवत जी किसने कही, किसने कही? सुखदेव गोस्वामी जी ने। ये हैं कौन, इनका परिचय क्या है, आज इनके संबंध में कुछ श्रवण करते हैं, क्योंकि इस चरित्र में कुछ शिव जी की महिमा भी है। सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित जी को भागवत श्रवण करा रहे हैं, ये श्री गोलोक वृंदावन जो भगवान का अपना धाम है, सुखदेव जी राधा जी के एक तोता हैं, इसे कहते हैं ना शुभ पक्षी। भागवत जी में अनेक स्थान पर लिखा श्री शुक उवाचा, श्री शुक कह रहे हैं। श्री का अर्थ क्या, श्री का अर्थ है राधा रानी, और शुक का मतलब तोता, जो राधा जी के सिखाए पढ़ाए पालतू तोता हैं, सब समय राधा जी के हाथ में बैठे और राधा जी उनको अनार के दाने खिलाती, उनको सहलाती, इतना प्रेम और स्नेह एक पक्षी के लिए क्यों? क्योंकि राधा जी जैसे ही कृष्ण का नाम बोलती हैं, वह शुक पक्षी वह तोता भी उसी स्वर में कृष्ण नाम बोलता है। राधा जी को वो नाम कहने में भी उतना सुख मिलता है और सुनने में तो और सुख मिलता है। जो लोग भगवान की कथा कहते हैं, कहते में तो आनंद सुख मिलता है, सुनने में भी आनंद और सुख मिलता है, कहने में भी, क्योंकि ये नाम है ही ऐसा, ये सिर्फ कहने वाला नहीं, ये सुनने वाला भी है। अभी आप लोग, इन्होंने भजन गाया प्रभु जी ने, अच्छा लगा कि नहीं, कितना सुख मिलता है ना। मैं देखा माता एकदम आँख बंद करके आनंद में, बस उस आनंद को लूट रहे हैं। अब यही जो सुना, इसको घर में दोहरा नहीं सकते, यही नाम घर का, घर में भगवान का नाम काम करते करते आप भजन गाओ, कोई रोकेगा? झाड़ू लगाते हुए, रसोई बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, गाय का दूध निकालते हुए, कैसे भी भजन गाओ ना, यही वाला सुख मिलेगा। तो कहने में भी और सुनने में भी आनंद और सुख मिलता है, यही सारी वृंदावन की गोपियां करती हैं। ये वृंदावन की गोपियां क्यों, कोई सन्यासी है क्या? इन्होंने सन्यास धारण किया नहीं, घर में रहती, अपने पतियों के साथ रहती और घर का सारा काम करती, वही सब जो हम लोग करते हैं, झाड़ू लगाती हैं, रसोई बनाती हैं, पतियों को खिलाती हैं, बच्चे को सुलाती हैं, लेकिन सब समय कृष्ण का नाम गाती भी हैं और सुनती भी हैं। क्या बोलती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गो
गोविंद दाओ चरमाधव की। आज गुरु जी का स्मरण हो आ रहा है और गुरु जी जब इस कथा को कहते तो ऐसे उदाहरणों से बतलाते कि जब गोपी घर में झाड़ू लगा रही होती हैं, घर का मार्जन करती हैं, जिसके संबंध में भागवत जी में कहा या दोने अवान लेपने, हाँ कभी गाय के गोबर के कंडे बनाकर दीवार पर लगाएं और घर की सफाई करें, तो सब एक साथ एक ही स्वर में गाएं, क्या गाएं, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद गाओ गाओ दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी। गुरु जी बतलाते ये गोपियां रोटी बनाती, रसोई बना रही हैं, किस लिए, बनाते बनाते कृष्ण का स्मरण करती, अपने पतियों के लिए, घर के सदस्यों के लिए रसोई बनाती, काम तो हाथ से चल रहा है और मुख से भगवान का नाम और मन से कृष्ण का चिंतन चल रहा है, और गोपियां गाती गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी। किसी का बच्चा पलने में उसको सुला रही है, अब बच्चे को सुलाते समय लोरी गाते हैं, गोपियों के पास और कोई लोरी नहीं, उनके पास तो सुला अपने बच्चे को रही है, लेकिन चिंतन और मनन कृष्ण का चल रहा है और बच्चे को भी वही नाम सुनाती सुनाती सुलाती हैं। गोपी कहती है गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी। पतियों की सेवा करती, उनको भोजन इत्यादि कराती और समस्त प्रकार से पतियों की सेवा करते हुए मन कृष्ण की ओर चलता है और गाती है गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी। चिंता करती हैं इस समय कृष्ण कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, और दूर से ही संध्या के समय 9 लाख गायों के साथ उनके खुरों से जो धूल उड़ती और वो धूल कृष्ण के पूरे अलकावलियों पे, उनके पूरे श्री अंग में सुशोभित होती, ऐसे श्री कृष्ण का दूर से ही दर्शन करती और दर्शन करते समय उनके अपने हृदय में ही कृष्ण को बसा लेती, या फिर जब कृष्ण नहीं हैं, दूर हैं, उनके विरह में मिलन और विरह में दोनों समय में ही यही नाम गाती हैं, क्या गाती हैं, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामो दर माधवे दी। ऐसे ही गोपियों का, इन्हीं गोपियों का गुणगान गाते गाते हमारे गुरुदेव भी आंखों से आंसू बहते और उस गोपियों के भाव में प्रेम में वही बात स्मरण करते हुए गुरु जी भी इसको बड़े अच्छे सुंदर स्वर में गाते, क्या गाते, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी, गोविंद दामो दर माधवे दी। आज उन्हीं गुरु जी का स्मरण करते करते हम लोग भी इस मंदिर के प्रांगण में उन गुरु जी की कृपा को प्राप्त करते हुए
उन ब्रज गोपियों का स्मरण करते हुए चलो हम आप भी यही गाएं। क्या गाएं? गोविंद दामो धर्मादमेदी, गोविंद दामो धर्मादमेदी, गोविंद दामो धर्मादमेदी, गोविंद दामो धर्मादमेदी। हे कृष्ण हे या धव हे सखेदी, गोविंद दामो धर्माधवेदी, गोविंद दामो धर्माधवेदी, गोविंद दामो धर्माधवेदी। इस प्रकार से ये कृष्ण का स्मरण घर में रहते हुए सब काम, हाँ, राधा जी उस शुभ पक्षी को अपने हाथ में रखकर सहलाती हुई वही कृष्ण का नाम गाती और उसी शुक पक्षी से सुनती। अब तुम सुनाओ, राधा जी बोलती हे शुक बोलो तो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। शुक पक्षी भी बिल्कुल वही राधा जी के आवाज में वैसे स्वर में वे भी बोलते कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधा जी एकदम गले लगा लेती, जो मुझको कृष्ण नाम सुनाए वो मेरे प्राणों से भी प्यारा है। ऐसे राधा जी के भाव, ऐसा प्रेम उमड़ता। वहीं शुक ने राधा जी का तो प्रेम, उनका स्नेह, वात्सल्य, सभी प्रकार की कृपा को प्राप्त किया और राधा जी के हाथ से उड़कर वही शुक पक्षी नंदगांव में कृष्ण के स्थान पर एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। अब कृष्ण सखाओं के साथ बैठे और ये शुक पक्षी वैसे ही राधा जी के स्वर में कृष्ण का ही नाम उच्चारण करता। शुक पक्षी बोलता कृष्णा 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 और कृष्ण सोचने लगे हैं राधा जी कहाँ से आ गई, ये तो बिल्कुल राधा जी का स्वर है, ये बिल्कुल राधा जी का स्वर है, ये कहाँ से आवाज आ रही। तो देखा वृक्ष पर एक शुक पक्षी बैठा, ठाकुर जी ने ऐसे हाथ ऊपर बढ़ाया और वो शुक पक्षी बिल्कुल भगवान के हाथ में आकर बैठ गया। बोलते क्या सुना रहे थे, फिर से सुनाओ, ये नाम मुझको बड़ा मधुर लग रहा है। कौन कह रहा है ये? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, जिनका नाम उनको ही मधुर लगे। सोचो क्या अद्भुत है ये भगवान का नाम, जिसको जप करते समय जब ये जीवा पर उसका रस आता है, स्वाद आता है, तो भक्त प्रार्थना करता है कि आपने मुझको एक जीवा क्यों दी, हे भगवान आपने मुझको 100 जीवा क्यों नहीं दे दी। तुंडे तानी वतुन वतने तुंडा वली लब दई, आपने 100 जीवा क्यों नहीं दी। ये नाम का मैं जब स्वाद करता हूँ तो ऐसा लगता है ये नाम एक जीवा वाला नहीं है, और ये सुनने के लिए आपने 2 ही कान क्यों दिए, मुझको 1000 कान क्यों नहीं दे दिए। ऐसे भक्त प्रार्थना करता है। तो सोचो यही भगवान का नाम जो भगवान को भी कृष्ण को भी जो आनंद दे और वो हमको आनंद नहीं देगा, ऐसे कैसे संभव। कृष्ण कहने लगे शुक पक्षी बोलो तो फिर से सुनाओ, बड़ा सुंदर लग रहा है। फिर वही तोता वे कहने लगे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण ने भी शुक पक्षी को गले से लगा लिया और इतने में राधा जी बड़ी चिंता में पड़ गई, मेरा तोता कहाँ चला गया। इधर उधर ढूंढने लगी, सारी सखियाँ ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते पहुँच गई नंदगांव, जहाँ देखा कृष्ण के हाथ में शुक पक्षी बैठा है। गोपियों ने आकर कहा हे कृष्णा ये जो तोता है, ये जो शुक है, ये हमारी राधा जी का है, हमको लौटा दो। कृष्ण कहने लगे क्यों लौटाऊं, ये तो अपने आप मेरे हाथ में आकर बैठा, मैं तो चोरी करके लाया नहीं, ये अब मेरा बड़ा प्यारा हो गया, मैं इससे नाम सुनता हूँ। देखो भगवान अपना ही नाम सुनते हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है, लेकिन किसके स्वर में, राधा जी के स्वर में।
अपना ही नाम सुनते, तो ऐसे भी कोई भगवान है जिनको अपना ही नाम बड़ा सुंदर लगता है, मीठा लगता है, मधुर लगता है? बोलते यही कृष्ण आज से 1530 वर्ष पहले बंगाल में फिर से जन्म ग्रहण किए, इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, जो स्वयं कृष्ण हैं और अपना ही नाम लेकर भाव विभोर हो रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं और इस नाम का पूरा स्वाद ले रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो स्वयं कृष्ण हैं, अपना ही नाम लेकर उनको आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि संभाल ही नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे, इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है। हाँ, इसलिए अब कृष्ण कहने लगे, ये तो तोता मेरा हो गया, मैं तो दूंगा नहीं किसी को, ये तो सुख मेरा हो गया। अब सारी सखियां चिंता में पड़ गई, क्या करें? तो यशोदा मैया ने दूर से बुलाया और यशोदा मैया कहने लगी, अरे इधर आओ बेटियों, चिंता मत करो, ये मेरा कन्हैया अभी गैया को लेकर वन में जाएगा तो मैं अपनी दासी के हाथ में ये शुभ पक्षी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, चिंता मत करो, तुम अभी चुप रहो। ये बोलकर सब लौट गई और कन्हैया तो अपने उस तोते के साथ, शुक के साथ खेलने लग गया। खेलने लगते लगते बोले, मैया मैं जा रहा हूँ वन में, मेरे शुभ पक्षी का ध्यान रखना, इसको अनार के दाने खिलाते रहना। बोले अच्छा अच्छा कन्हैया तू जा। कन्हैया जैसे ही गए, यशोदा मैया ने फिर से वो शुभ पक्षी लाकर किसी दासी सेविका के हाथ में देकर राधा जी के पास पहुंचा दिया और राधा जी ने फिर से उस शुभ पक्षी को प्राप्त किया और रोने लग गई, तू कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था, कहीं छोड़कर जाना नहीं। तो इसका मतलब क्या सोचो, ये जो तोता, ये जो शुक हैं, राधा जी के भी उतने प्यारे बन गए और कृष्ण के भी उतने प्यारे हो गए, और यही शुक पक्षी राधा कृष्ण की सारी लीलाओं का इन्होंने दर्शन किया। और ऐसे करते करते जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर जब जाने लगे तो शुक पक्षी को कह दिया, हे शुक तुम यहीं पर ही रहना। शुक तो रोने लग गए, बोलते जैसे हनुमान जी सीता राम जी की सारी लीलाओं का दर्शन किया और राम जी अपने साथ सरजू नदी में प्रवेश करके सारे अपने भक्तों को अपने साथ साकेत धाम ले जाने लगे और हनुमान जी को यहीं पर छोड़ दिया, हनुमान तुम इसी संसार में रहना। हनुमान जी रोते जाएं, हे भगवान मैंने ऐसा क्या दोष कर दिया, मैंने ऐसा क्या अपराध किया, मैं तो सब समय आपका सेवा का प्रयास किया, मुझ अभागे को यहाँ क्यों छोड़कर जाते हो? राम जी ने कहा, हनुमान हमारी लीलाओं को तुमने अच्छे से देखा नहीं, समझा भी, इस संसार में हमारी लीला को कौन सुनाएगा, कोई भी ऐसा नहीं, आप ही ऐसे हैं जो सुना सकते हो, इसलिए हमारी ये सेवा, ये भार हमने आप पर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी कथा से ही जीवों का उद्धार होगा और कोई उपाय नहीं है, मेरे नाम से ही इनका उद्धार होगा और कोई उपाय नहीं है, इसलिए आप ही यहाँ पर रहकर इस नाम का, कथा का प्रचार करना। हनुमान जी इस सेवा को स्वीकार करके संसार में रामलीला का गान करते करते यहाँ रह गए। बोलते उसी प्रकार ये शुक भी भगवान के आदेश से यहीं पर रह गए और कृष्ण अपने सारे भक्तों को साथ ले जाकर अपने धाम गोलोक वृंदावन में चले गए। यहाँ पर तो इनका मन लगे ना, हाँ कहाँ, तो जब भगवान थे तो रोज ही उत्सव होते थे, अब यहाँ से जैसे भगवान गए सब निराश हो गए, शुक पक्षी का मन ही लगे ना। होते ऐसे ही जब हमारे गुरु जी इस पृथ्वी पर थे, जहाँ जहाँ गुरु जी जाते हर रोज ही एक उत्सव होता, जिस शहर में चले जाएं, जिस देश में चले जाएं, जिस गांव में चले जाएं, बस वहाँ पर तो उत्सव हो जाता।